चुप कर बेटा खाना, चुप कर यार, इसको चुप करवा जरा बाला। आप ये कैफेटेरिया नहीं है, ये बलोचिस्तान का मुकद्दस ऐवान है, जिसने सुनना है बैठे, जिसने बातें करनी है, मजलिस करना है, लतीफा गोई करनी है, बाहर चला जाए। सुने शुक्रिया जनाब चेयरमैन। करारदाद नंबर 96 हरगाह के बलूचिस्तान सूबाई असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान दर्जनों अहम अवामी व सूबे के अहम मामलात से मुतल्लक करारदादें मंजूर की, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बजट व पॉलिसी की तश्कील के अमल में इन करारदादों को अक्सर नज़रअंदाज किया है, जो इस ईवान के तमाम मेंबरान के इस्तेकाक मजरू करने व ऐवान के ज़ाब्ते कार की भी खिलाफ वर्जी है। लहजा ऐवान मुतालबा करता है कि 15 यौम में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान तमाम पास शुदा करारदादों के बाबत जो भी पेशरफ्त हुई है, इसकी मुकम्मल तफसील ऐवान में पेश की जाए और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले इदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया। करारदाद नंबर 96 पेश हुई, क्या मुहरिक अपनी करारदाद नंबर 96 की एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएंगे? शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं एहतजाजन अपने करारदाद पर बात नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं दीवारों के साथ बातें करूँ, कुर्सियों के खाली कुर्सियों के साथ बातें करूं, मैं किसके साथ? जो करारदादें थी वजीर आला साहब 4 से 6 मोकमे उनके पास हैं। मैं एक मिनट मैं आ रहा हूं जनाबे वाला, आप मुझे बताएं मैं इधर नहीं बात करूं, मैं इधर गैलरी में बैठे हुए अपने मुअज्जज मेहमानों के साथ बात करूं? जनाबे वाला, ये असेंबली जिस तरह मैंने पहले कहा, इसकी कोई वक़्त और हैसियत होती थी सरदार अताउल्लाह मेंगल से लेकर नवाब अकबर खान बुगटी, खान अब्दुल समद खान जैसे लोग इसमें होते थे। ये असेंबली बलूचिस्तान की जेब व जीनत थी, बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर के फैसले करते थे। आज बख्ती बलूचिस्तान की किस्मत देखें कि हम मसलन इस असेंबली की वक़्त इतनी हो गई है कि न सवाल का जवाब मिलता है, न तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब मिलता है। 2 साल से 2 दर्जन करारदादें, पानी, बिजली, लाइब्रेरी, स्कूल, खूनी सड़कें, खूनी शाहराएं, सीपैक, रोजगार, औरतों के हकूक, मजदूरों के हकूक, सबसे मुतल्लिक करारदादें हमने पास की। जनाबे वाला, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, इस वक्त नहीं थी कि इन करारदादों पे कम से कम सूबाई सतह पर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम जाएंगे इस्लामाबाद और उनको बात मनवाएंगे कि जनाबे वाला हमारे पास बिजली नहीं है, हमें बिजली दे दें, हमारे साथ ये चुप कर बेटा खाना, चुप कर यार, इसको चुप करवाएं जनाब वाला। आप जनाबे वाला, मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, ये बजाय असेंबली में संजीदा बलूचिस्तान के मसाइल को लेने के इनका इनका काम इस असेंबली की वक्त क्या रह गई है? 2 दर्जन करारदादों पर सूबे की सतह पर, सूबे में भी मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि छोटे छोटे मोकमे, जनाबे चेयरमैन मैं बताऊं, बैठ जाए, बैठ जाए, जनाबे चेयरमैन मैं बताऊंगा, मैं उनको याद दिलाऊंगा अगर आप, जनाबे चेयरमैन मुझे मुखातिब कर लिया, जी जनाबे चेयरमैन से बात कर ले, मुझे जनाबे चेयरमैन आप हाउस में ऑर्डर करवाएं, ये कैफेटेरिया नहीं है, ये बलूचिस्तान का मुकद्दस ऐवान है, जिसने सुनना है बैठे, जिसने बातें करनी है, मजलिस करना है, लतीफा गोई करनी है, बाहर चला जाए। ये बलूचिस्तान की अवाम की तक
एंगल बैठा कर सुने हम कह रहे हैं कि जनाबे वाला इस्लामाबाद वाले हमारी बात नहीं मानते। ऑर्डर हाउस प्लीज। ये दो दर्जन के करीब करारदादे सूबाई हुकूमत की मौकमों से मुतल्लिक है। जब आपके सूबाई हुकूमत का एक मौकमा सोशल वेलफेयर वाला माजूरों से मुतल्लिक कोई पॉलिसी नहीं बनाता जबकि असेंबली ने करारदाद पास किया है, आप लाइब्रेरियों से मुतल्लिक, स्कूलों से मुतल्लिक, स्कूल की इमारतों से मुतल्लिक, बच्चों से मुतल्लिक, सिलेबस से मुतल्लिक, पानी से मुतल्लिक, सड़कों से मुतल्लिक, ये सूबा अपने सूबाई मौकमे जनाबे वाला दो साल से हमारी करारदादों का जवाब नहीं आया। और ये मुश्तरका करारदादे हैं, मुत्तफका करारदादे असेंबली से पास हुई, क्यों इस्लामाबाद वाली आपकी बात मानेगा? ऐसे लंगड़े दूले लोगों की बात इस्लामाबाद वाले मानेंगे? जनाबे वाला ये जनाबे वाला इसी इस्लामाबाद बैठ जाए जनाबे वाला दनेश बैठ जाए जनाब चेयरमैन तुमको जनाब चेयरमैन आपने मुझे कहा कि इस करारदाद पे बात करें। जी आप बात कर ले अब देखें, मैं इत्तेजाजन ये 25 करारदादें हैं, 25 करारदादों में से एक करारदाद पे भी ना तो सूबाई हुकूमत ने अमल किया है, ना कोई इसका जवाब आया है, ना कोई वफाकी हुकूमत ने किया है। ये अफसोस का मकाम है जनाबे वाला। आज मैं इसलिए आज दिल खून के आंसू रोता है कि बलूचिस्तान के अवाम ने इस हाउस पे बहुत बड़ा एतमाद किया। आज उस एतमाद का नतीजा ये निकला है कि एक मोकमा वो आपका सवालात का जवाब नहीं देता, आपके करारदाद पे पॉलिसी नहीं बनाता, तो हम किसके साथ बात करें? उनको पता है जनाबे वाला सारी खाली कुर्सियां हैं। अगर ये संजीदा ये असेंबली संजीदा होती और संजीदा अपने आपको समझती तो जनाबे वाला हमारे साथ ये सलूक नहीं होता। मैं इत्तेजाजन इस करारदाद पे तफसील में बात करना चाह रहा था लेकिन मैं अब इस पर नहीं करूंगा क्योंकि आजी जाबिद साहब का जो तहरीक इल्तवा है खूनी सड़कों से मुतल्लिक हम उस पर बात करेंगे। शुक्रिया। आए करारदाद नंबर 96 मंजूर की जाए। हाँ या नाम है जवाब दे। करारदाद नंबर 96 मंजूर है। जनाब जाबिद अली रेखी साहब रुकनी सूबाई असम्बली, आप अपनी करारदाद नंबर 80 पेश करें।